सोलर पैनल के ऊपर जब भी अंधेरा कर रहा हूँ ये लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जा रहा है, देख सकते हो। हेलो गाइस, मैं हूं शगतो और गाइस आज मैं बनाऊंगा एक बहुत ही शानदार ऑटोमेटिक सोलर पावर लाइट। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं इस तरह का सोलर पैनल को यूज कर रहा हूं और ये सोलर पैनल 100 मिली एम्पीयर के हैं और यहां पे 12 पीसेस हैं। तो आप चाहो तो इसके अलावा बड़े वाले सोलर पैनल होता है 5 या 6 वोल्ट का, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं एक पीवीसी शीट लिया हूँ, तो इसके ऊपर मैं 6 पीस फिट कर दूंगा और इस तरह का और भी एक सेम बनाऊंगा। तो चलो यहाँ पे फटाफट फिट कर देते हैं। तो गाइस सोलर पैनल को मैंने अच्छे से जोड़ लिया है, देख सकते हो, और इस तरह का और भी एक मैं बना लिया हूँ। तो देखो दोनों बना लिया है और आप इसी दोनों को एक साथ जोड़ना होगा। चलो इसको भी अच्छे से जोड़ देते हैं। तो गाइस इसको मैं अच्छे से जोड़ लिया हूँ और यहाँ पे तीनों पीवीसी सीट लगा दिया हूँ। ये बहुत ही मजबूत हो गया है और सामने से कुछ इस तरह का दिख रहा है। ओके, तो अब इसका कनेक्शन भी करना होगा, तो चलो फटाफट इसका कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो सारे सोलर पैनल को एक साथ पैरेलल कनेक्शन कर लूंगा, जिससे क्या होगा इसका जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा बट इसका जो एम्पियर है वो बढ़ के 1.2 एम्पियर हो जाएगा। ओके, तो चलो फटाफट इसका कनेक्शन कर लेते हैं। और आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि सोलर पैनल का जो पॉजिटिव तार है उसको एक साथ जोड़ना है और नेगेटिव तार को एक साथ जोड़ लेना है। ओके, तो गाइस इसका कनेक्शन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, देख सकते हो यहाँ पे पूरा कनेक्शन कर दिया हूँ। और यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव तार है उसको यहाँ पे जोड़ दिया है इसका पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को मैं यहाँ पे जोड़ दिया है। ओके, और यहाँ पे दोनों तार सोल्डरिंग किया हूँ, ये इसका आउटपुट का तार है। तो चलो एक बार टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक 5 mm का LED लिया हूँ, तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हो ये लाइट अच्छे से ग्लो कर रहा है। देखो मेरे स्टूडियो में जो लाइट है इसी लाइट में ही जल रहा है और आप अगर सनलाइट में ले जाओगे तो बहुत ही अच्छे से ग्लो करेगा। ओके, तो मैं सोलर पैनल को थोड़ा सा लाइट के पास लेकर जा रहा हूँ। देखो 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 गाइस ये कितना रोशनी के साथ जल रहा है। देखो गाइस देख सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गाइस चलो इसको एक बॉक्स के अंदर फिट कर देते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है पीवीसी शीट को यूज करके, तो इसके ऊपर मैं सोलर पैनल को फिट कर दूंगा। तो चलो इसके ऊपर फिट कर देते हैं। तो सोलर पैनल को मैं अच्छे से लगा दिया हूँ, देख सकते हो, और अब इसका दोनों साइड में कवर करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों पीवीसी शीट कट किया हूँ। तो चलो इसी दोनों को यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो गाइस सोलर पैनल हमारा रेडी हो चुका है, जस्ट इसका फिनिशिंग थोड़ा सा बाकी है, तो चलो उसको भी कर लेते हैं। तो गाइस आप लिया हूँ एक इस तरह का पाइप और पाइप के ऊपर मैं कुछ इस तरीके से कट किया हूँ और इसी पाइप आपको इलेक्ट्रिक सबसे आसानी से मिल जाएगा, तो इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो और भी एक पाइप का टुकड़ा लिया हूँ और इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है, तो चलो इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो आप गाइस यहाँ पे मैं खोल कर रहा हूँ, तो सोलर पैनल का जो तार है उसको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। तो गाइस तार को मैं बाहर निकाल लिया हूँ और LED को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए एक सर्किट भी बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिया हूँ एक 6 वोल्ट का रिले। तो रिले का इसी दोनों पिन में IN4007 एक डायोड सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो गाइस मैं इसका कनेक्शन फटाफट कर लेता हूँ और आपको समझाने के लिए साइड में मैं एक डायग्राम दे दिया है, आप उसी को देख के कनेक्शन वगैरह अच्छे से कर सकते हो।
तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, तो बैटरी का जो निगेटिव तार है उसको यहाँ पे टच करने से देख सकते हो ये ऑलरेडी ग्लो करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब सोलर पैनल में लाइट पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे एक स्विच लगा सकते हो क्योंकि बरसातों के समय में तो हमेशा बारिश होगा, तो सोलर पैनल के ऊपर कोई भी सनलाइट नहीं पड़ेगा इसीलिए लाइट हमेशा जलता ही रहेगा। तो इसीलिए मैं एक स्विच लाऊंगा, तो उससे पहले यहाँ पे 5.5 को एक बॉक्स के अंदर फिट कर दूंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक पाइप लिया हूँ, तो पाइप के अंदर 5.5 को फिट कर देते हैं। तो गाइस बॉक्स को मैं रेडी कर लिया है और बॉक्स में लगाने से पहले ये दोनों तार को खोलना पड़ेगा, तो चलो खोल के यहाँ पे लगा देते हैं। तो गाइस खोल लिया है, तो चलो अब यहाँ पे लगा देते हैं। तो गाइस आप स्विच के लिए अलग से दोनों तार सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो स्विच का दोनों तार को मैं बाहर निकाल लेता हूं और ये दोनों तार जाएगा एकदम नीचे। तो देखो गाइस लैंप तो फिट करूंगा बहुत ही ऊपर, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर सनलाइट नहीं गिरेगा तो ये लाइट हमेशा जलता रहेगा, इसीलिए मैं नीचे से इसको बंद कर सकूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सीट लिया हूँ, तो इसके ऊपर एलईडी को फिट करूंगा। तो एलईडी को फिट करने के लिए यहाँ पे जो तार सोल्डरिंग किया था उसको खोलना पड़ेगा, तो खोल के यहाँ पे लगाना होगा। तो एलईडी को यहाँ पे खोल के फेविक्विक के द्वारा लगा दिया हूँ, आप तार को यहाँ पे लगा देना है। और एलईडी के ऊपर मैं एक डिफ्यूजर लगा देता हूँ जिससे एलईडी सेफ रहे। ओके, तो अब गाइस स्विच को यहाँ पे लगा दूंगा, तो यहाँ पे मार्क करके ग्रुप कटिंग कर लेता हूँ। तो इसी दोनों तार को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसी दोनों तार में स्विच को फिट कर दूंगा। तो कनेक्शन कंप्लीट और ये अच्छे से वर्क भी कर रहा है। ओके, तो अब स्विच को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो गाइस आप एकदम लास्ट में लाइट को भी यहाँ पे लगा देता हूँ। तो गाइस लाइट हमारा कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हो इसको मैं यहाँ पे स्टैंड भी कर दिया हूँ, जो बड़े वाला पाइप था उसके साथ इसको मैं फिट कर दिया हूँ। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो स्विच को मैंने ऑन करके रखा है, फिर भी यहाँ पे लाइट नहीं जल रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी है, इसलिए लाइट नहीं जल रहा है। जब भी अंधेरा हो जाएगा तो लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ओके, उसको मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। तो गाइज आप देखो सोलर पैनल के ऊपर जब भी अंधेरा कर रहा हूँ ये लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जा रहा है, देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। और जब भी ऑटोमेटिक चालू होगा थोड़ा सा किच करके एक आवाज़ होगा। और गाइज आप सोच रहे हो कि लाइट बहुत ही धीमे जल रहा है, तो आपको मैं बता देता हूँ बैटरी का चार्ज थोड़ा सा कम है इसीलिए लाइट बहुत ही धीमे जल रहा है, और सनलाइट पड़ने पर ये ऑटोमेटिक चार्ज भी हो जाएगा। और रात में इसका ब्राइटनेस कितना है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस तरह का मजेदार वीडियो चैनल पर आती रहते हैं। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।